बॉलीवुड इंडस्ट्री की शान वरिष्ठ अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। फिल्मों में लोगों को इंसाफ दिलवाने वाले सुल्तान राही को इंसाफ ना मिल सका, कातिल आज तक ना पकड़े जा सके। रिपोर्ट कर रही है लाहौर से मरवा अंसर चौधरी। फन के सुल्तान ने 800 से जायद फिल्में की, जिनमें से 500 के करीब फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए। इसी बिना पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। हाथ में गंडासा थामे फरसुदा निजाम को ललकारता सुल्तान राही दो दहाई तक पंजाबी फिल्मों की पहचान बना रहा। जल्दी दस बशीरिया, की कर क्या है? बशीरा अपने आतिज कदे नाकाम नहीं परतिया, तेरे दुश्मन दे टोटे करके दे घर नूं अग ला दित्ती। 70 की दहाई में फिल्म बशीरा से ऐसी एंट्री दी कि फिल्मों का एक्स्ट्रा अदाकार फन का सुल्तान कहलाया। एचजीटीएस साबित करना चरना के मोमन मोमन होवे सही, उदे सामने कोई कुत्ता मस्तिष्क नहीं टा सकता। और फिर हिदायतकार यूनुस भट्ट की फिल्म मौला जट ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। औकात तो वध वजन नु मोड़ा कदे नहीं देदा। सोनिया पांडी है जान दे यारा, जे ना दस दिता ते तेनु ताप चढ़ जाएगा। फिल्म स्टार अंजुमन और साइमा ने सुल्तान राही की हीरोइन के तौर पे नाम कमाया। लॉलीवुड के लेजेंड को 9 जनवरी 1996 को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। अपनी फिल्मों में मजलूम को इंसाफ दिलाने वाले को कानून आज भी इंसाफ नहीं दिला सका। असी ते सारे हयात ले तेनु अपना प्यो समझने आ मलक बादशाह, अपने अथरू पूंज ले। बाकी वो एक ही थे और ही वाज वन एंड ओनली। ट्राई यही करते हैं ऑब्वियसली, कि ये दिन जब भी कभी आता है तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वही फीलिंग्स होना शुरू होती हैं जो उस टाइम में हुई थी, कि कल की बात लगती है। हालांकि 23 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन मुझे एक बात ये देख के खुशी भी होती है कि लोग माशाल्लाह जो उनके फ़ैन्स हैं वो अभी भी उनसे इतना प्यार करते हैं। बल्कि कुछ लोग तो आप ये समझ लें कि उससे ज़्यादा प्यार करना शुरू हो गए हैं। और वो लोग जब मुझे ये बात कहते हैं जी कि हमें आप में राही साहब की झलक नजर आती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत फख्र फील होता है मुझे। सुल्तान राही का असली नाम हाजी हबीब अहमद था। अपने नाम का उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने सुल्तान बनकर लोगों के दिलों पर राज किया।